गाइस, क्या हाल है। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं अभी टोक्यो में हूँ, जापान में। और मैं यहाँ यूट्यूब के किसी काम से आया हूँ, तो आज सुबह आया मैं यहाँ पे। और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने यहाँ नोटिस की है, यहाँ के लोगों से सीखी है, रादर पहले दिन में जो मैंने यहाँ सीखी है, जो यहाँ नोटिस किया मैंने पहले दिन में, वो ये है कि यहाँ के लोग इंग्लिश नहीं बोल पाते। यहाँ के लोग कम इंग्लिश बोलते हैं और अपनी लैंग्वेज को, जैपनीज को, बहुत इज्जत देते हैं। और दे आर प्राउड दैट दे स्पीक इन जैपनीज। जैपनीज बोलने में कोई शर्म नहीं है उनको, ये एडमिट करने में शर्म नहीं है कि हमें इंग्लिश नहीं आती। वो दे डोंट गिव अ फक। वो कह रहे हैं कि हम जैपनीज बोलेंगे क्योंकि ये हमारी लैंग्वेज है और हम जैपनीज में बात करेंगे, हमें इंग्लिश नहीं आती, जाओ खा लो जो करना है। हमारे घर में कई लोग समझते हैं कि हिंदी में बात करना या अपनी लैंग्वेज में बात करना मतलब जाहिलों का काम है, ये गवारों का काम है, हम तो इंग्लिश में बात करेंगे। अरे, इंग्लिश आना जरूरी है, पर वो समझदारी का क्राइटेरिया नहीं है। किसी को बेवकूफ मत समझो अगर उसको इंग्लिश नहीं आती तो। खुशी खुशी अपनी लैंग्वेज बोलो, इतनी सारी लैंग्वेजेस है हमारी कंट्री में, इतना डाइवर्स कल्चर है। लेकिन जो इंग्लिश नहीं बोलता उसको जाहिल मत बुलाओ। तुम्हें बोलनी है तो बोलो इंग्लिश, कोई बुराई नहीं है, लेकिन अपनी लैंग्वेज की रिस्पेक्ट करो।